पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद की गुन्नौर कोतवाली पुलिस को काफी दिनों से अवैध हथियार बेचने की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना पर कोतवाली पुलिस हथियार बेचने वाले की खोज में लग गई। जब गिरफ्तार आरोपी अवैध हथियार लेकर बेचने की फिराक में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के रास्ते में खड़ा था, तभी मुखबिर की सूचना के आधार पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुमन पाल सिंह ने अपनी टीम के साथ छापा मार कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम मनोज निवासी अलीगढ़ जनपद बताया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से थोड़ा पिस्तौल बरामद हुई है। एएसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि गुन्नौर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से दो पिस्तौल बरामद की गई है, जिन्हें बेचने की फिराक में जंगल के रास्ते पर खड़ा था, और दूसरा आरोपी भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी भी शीघ्र की जाएगी। गिरफ्तार आरोपी जनपद अलीगढ़ निवासी है, जिस पर आधा दर्जन मुकदमा दर्ज है। हुई थी कि कोई एक बदमाश जो है पिस्टल की सप्लाई करता है और आज यहाँ पर बनिया ढेर के थाना क्षेत्र के किसी अभियुक्त को पिस्टल की सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस द्वारा इस सूचना पर उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से दो पिस्टल बरामद हुई है, जिससे पूछताछ पर यह बताया गया ये कहीं मतलब राजस्थान से लेके भरतपुर से लेके आता है और आगे सप्लाई का काम करता है, जिसके यहाँ सप्लाई करने जा रहा था। उसके यहाँ भी दबिश डाली गई, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका, फरार है अभी फिलहाल, उसकी गिरफ्तारी होगी। इस प्रकार ये मनोज पुत्र किशन, जो कि धनीपुर अलीगढ़ का निवासी है, एक असला सप्लाई करने का काम करता है। ये जहाँ से खरीदता है उसकी भी पूरी जानकारी की जा रही है और इसमें पूरी कार्रवाई की जा रही है। टीम में कितने लोग शामिल हैं? टीम में ये अकेला काम करता है, जैसा कि आपके सामने पूछताछ में इसने खुद ही बताया है, और ये लाके सप्लाई का काम करता है, और ये संभव है कि जिनको ये देता हो वो भी आगे इसी तरह का काम करते हो।